हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एजुकेशन विद मोटिवेशन। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जल्दी से इस घंटे को दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन विद मोटिवेशन चैनल। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम बात करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि रेडिएशन सेफ्टी में है। उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस कॉन्सेप्ट्स पर काफी चर्चाएं चली, काफी साइंटिस्ट फेल भी हुए और इस बीच एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो कि जॉन डाल्टन थे, उन्होंने अपने 1808 में एक एटॉमिक थ्योरी दी और उसमें उन्होंने अपना पहला पॉइंट दिया कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम, मींस ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इस पहले पॉइंट ने पूरी साइंस को बदल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट में यह बताया कि कोई भी मैटर है और मैटर की नॉलेज या कहीं मैटर क्या है ये मैंने मास वाली वीडियो में बता दिया है, तो आप वहां जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक भेज दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर या कहे कोई भी चीज है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल ये डस्टर, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है और उन्होंने उसको नाम दिया एटम, जो कि स्फेरिकली शेप में होता है और उसका चार्ज न्यूट्रल होता है। ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते। और उन्होंने ये भी बताया कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज, मींस ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। मान लीजिए ये मार्कर है, किसका बना है, प्लास्टिक का, तो और ये दूसरा मार्कर है, ये भी किसका बना है, प्लास्टिक का, तो इन दोनों मार्कर के अंदर सेम एटम होंगे और एटम का साइज सेम होगा, प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बट जब हम अभी ले लेते हैं ये दीवार ले दी और मेरे पास ये मार्कर, दीवार कंक्रीट की बनी है, इसके एटम्स अलग होंगे और इस मार्कर के एटम्स अलग होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इस एटम की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इस मार्कर की जो साइज है वो अलग होगा एटम का साइज और इस वॉल के एटम का साइज अलग होगा। मींस अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम ले लीजिए एक साइड और एक साइड ले लीजिए आप सिल्वर एटम। हाइड्रोजन एटम के प्रॉपर्टीज और साइज अलग होंगे। अगर आपने दो हाइड्रोजन एटम लिए हैं तो दोनों हाइड्रोजन एटम की साइज और प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट अगर आपने एक हाइड्रोजन लिया है और एक आपने सिल्वर लिया है तो दोनों की प्रॉपर्टीज और साइज अलग अलग होगा। ये डाल्टन ने अपने सेकंड पॉइंट में जताया। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया, कंपाउंड्स आर combinations of two or more different types of atoms, means कि compounds are combination of two or more different types of atoms। मतलब पहले मैं लिख देता हूं डाल्टन मॉडल जो कि 1808 में इन्होंने कहा। पहले पॉइंट में उन्होंने एटम के बारे में बताया, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने साइज और प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, मींस हाइड्रोजन और सिल्वर इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अगर दो हाइड्रोजन एटम ले लिए तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, अगर दो हमने सिल्वर एटम ले लिए तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, बट हाइड्रोजन और सिल्वर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और उनका साइज भी एटम का अलग होगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि ये
टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनेगा, मतलब Na और Cl, H और O2। इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में डाल्टन ने यह बताया कि केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इन्होंने यह बताया कि केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम मींस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव NaCl। इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और थर्ड पॉइंट को भी हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में डाल्टन ने यह बताया कि केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, कि एटम की रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन द्वारा हो सकती है। यहाँ पे Na एक एटम है, Cl एक एटम है और वो मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl नमक, जिसकी हमने इनको रीअरेंज किया, एटम्स को हमने रीअरेंज किया। थर्ड पॉइंट में बताया था डाल्टन ने कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी एटम अगर कंबाइन होता है, कोई भी एटम अगर कंबाइन होता है तो एक वो एक कंपाउंड बनाता है और कंपाउंड दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनता है। यहां पे कंपाउंड Na और Cl से मिलकर बनेगा और यहां पे कंपाउंड H और O2 से मिलकर बनेगा। ये उन्होंने बताया Na और Cl से मिलकर बनेगा NaCl नमक, जो कि उन्होंने फोर्थ पॉइंट में डीपली समझाया। और H और O2 से मिलकर बनेगा वाटर H2, जो कि उन्होंने फोर्थ पॉइंट में समझाया। और इसको आप पूरे ढंग से समझने के लिए हम दोबारा से हम इसके पॉइंट जताएंगे। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने एटम के बारे में बताया, सेकंड पॉइंट में उन्होंने, ये हम एक प्रकार से समरी लिख रहे हैं, इसको आप याद कर लेना, ये लास्ट की समरी है। उन्होंने पहले पॉइंट में एटम के बारे में बताया, दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया साइज और प्रॉपर्टीज, साइज और प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि ये जो एटम है ये कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, जो कंपाउंड बनता है वो टू और मोर एटम्स से बनता है। थर्ड पॉइंट में ये उन्होंने ये बताया, और टू और मोर एटम्स से हम कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि Na और Cl। थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये जताया। फोर्थ पॉइंट में डाल्टन ने ये बताया कि जो ये कंपाउंड है ये रीअरेंज भी हो सकता है, जैसे कि Na प्लस Cl मिलके बनाते हैं NaCl नमक, जो कि उन्होंने फोर्थ पॉइंट में बताया कि केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और सबसे जरूरी बात एटम के बारे में, एटम स्फेरिकली शेप में होता है और इसको तोड़ा नहीं जाता, ये टूट, मतलब कि ये इतना स्मॉल होता है, इतना टिनी पार्टिकल होता है कि इसको हम बीच से काट नहीं सकते, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोच लीजिए इलेक्ट्रॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने स्मॉल होंगे जो कि एटम के अंदर होते हैं। फिलहाल हमने ये रखा हुआ है, फिलहाल ये न्यूट्रल है, मींस एटम्स न्यूट्रल होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले डाल्टन ने अपना मॉडल दिया, फिर जॉर्ज जे जे थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने और फिर बोहर ने, ऐसे ऐसे चलते चलते
बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चलता गया और अभी भी ये एक गुप्त रहस्य है। इसकी आधी बातें अभी भी हमें पता नहीं है पूरी तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।